गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अभी बजी है सुबह की 6:15। जल्दी उठे, देखो अपने अपने काम पे लग गए हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो है एक ट्रैवल ब्लॉग, क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं वो आगे आपको आगे ब्लॉग में पता चल। और जाने की सारी पैकिंग जो है वो मैंने कल रात को कर ली थी। और ये जो जो भी सामान मुझे लेना है वो सबकी सब चीज़ें मैंने पैक कर दी है। बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, मतलब एक ही सूटकेस के अंदर सभी के कपड़े आ गए हैं। और ये तो सारे कपड़े रख दिए हैं, ये पाउच रख दी है, इसके अंदर थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है, ज़्यादा नहीं लिया है। और बस इस तरह से पैकिंग जो है वो सारी कंप्लीट हो गई है। और बस अभी टारगेट है कि आधे घंटे में हमको निकलना है, तो जल्दी से ये बेटा जल्दी फटाफट, ये देखो इसकी नींद ही नहीं पूरी हुई है, जल्दी से खड़ी हो जा फटाफट। पर विहान विहान देखो ये लगा पड़ा है बिस्तर को जमाने में, तो बस सुबह जल्दी जाना है। इसके लिए सब अपने अपने काम पर लग गए। मैंने चाय वगैरह बनाई थी, बच्चों ने बिस्तर वगैरह फोल्ड करके अपनी जगह पे रखे हैं, और हस्बैंड जो है वो उधर चाय पी रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट शावर लेने के लिए। तो शावर लेके मैं निकल गई हूँ, और एक बार मैंने फिर से चाय रखी, क्योंकि मॉर्निंग की जो चाय थी वो मेरी इतनी ज़्यादा मीठी हो गई थी, तो मेरा पीने का मन नहीं होगा। अभी वापस से मुझे चाय पीने का मन हुआ तो मैंने चाय रखी है। और रास्ते में मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो मैंने रात को ही यहाँ पर भर के रख दी थी। तो कुछ चूड़ा लिया है, नमकीन लिए हैं, मंचूरियन लिए हैं, और इसके अलावा और छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें ली है। और ये मॉर्निंग में थोड़े से बर्तन हैं जो मैं अभी क्लीन कर देती हूँ। मम्मा वापस चाय क्यों पी रहे हो? ज़्यादा मेकअप नहीं किया है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बापरे काम करते करते बाल। तो फाइनली सारी प्रिपरेशन हो गई है, बैग वैग पैक हो गए हैं, बैग जो है वो बिल्कुल गेट के यहाँ तक लग चुके हैं। और ये हमारे दोनों बच्चे तैयार होकर बैठे, कैसा लग रहा है? अच्छा। इतना धीरे से अच्छा रहेंगे तब मूड एकदम हंसले अच्छे से। अरे जल्दी आओ ना, हम कब से चिल्ला रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, और मैं खड़ी हूँ और अब वो भगवान ने क्या करने गए। और घड़ी में टाइम बताती हूँ, 6 बजे निकलना था और ये बज गई है 7:15। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि जो टाइम हमने सोचा है उसी 7:30 बज गई है हमको निकलते निकलते। और कितनी कहाँ जा रहे हैं ये मैं पहुँचने के बाद बताऊँगी। और यहाँ से हमको कितनी देर लगेगी अपने को? कम से कम 4 घंटा तो, हाँ 4 घंटा मिनिमम और मैक्सिमम 5 घंटा, तो इतनी देर लगेगी। तो बस मिलते हैं फिर वहाँ जाके। हम आ गए हैं पुणे से थोड़ा सा आगे, और अभी 2 घंटे का मतलब 2 घंटे और लगेगा हमको पहुंचने में। और अभी से थक गए हैं तो ये तो गए, इनको थोड़ा सा ऐसा नींद जैसा होने लग गया, तो मुंह धोने के लिए गए हैं। और जो क्लाइमेट है वो इतना अच्छा हो रहा है ना, मस्त, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। परी को थोड़ी नींद नींद आ गई थी, नहीं परी? हाँ विहान, विहान भी जा रहा मुंह धोने के लिए। पंचगनी, और पंचगनी से शायद 20 से 25 किलोमीटर दूर है महाबलेश्वर। तो ये आप देख सकते हैं कि एकदम ग्रीन ग्रीन से सारे पेड़, कोई फिल्टर विल्टर मैंने नहीं लगा रखा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं महाबलेश्वर, और ये होटल जो आपको दिख रही है पीछे की तरफ ना, तो ये हमने एक्चुअली गूगल पे जब सर्च कर रहे थे तब हमको ये होटल काफ़ी अच्छी लगी थी। लेकिन एक बार वो अंदर बात करने गए हैं, क्योंकि हमने वहीं से बुक नहीं कराई थी, क्योंकि हम जब कहीं पर भी जाते हैं तो पहले से होटल वगैरह बुक नहीं करते हैं। एक बार देखते हैं कि किस तरह की लोकेशन है, कैसा है होटल वगैरह कैसी, उसके बाद में बुक करते। तभी जैन साहब गए अंदर बात करने के लिए, मैं और ये परी, हम दोनों यहाँ उनका वेट कर। होटल वगैरह बुक हो जाती है, रूम में जाएंगे आराम से बैठ के, पहले खाएंगे और उसके बाद में क्या क्या मस्ती मजाक सब करने वाले हैं, तो वो सब मैं आपके साथ में। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होने वाला है वो आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो ये हमारी होटल प्रताप हेरिटेज, जो बिल्कुल मार्केट से 2 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। तो बस अभी जैन साहब ने बात वगैरह पूरी कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ अंदर, देखते हैं रूम्स वगैरह कैसे हैं। Dead,
baton. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. So ye hai hamara room number 214. Aur ye hamare Jain saab. तो ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस में सबसे पहले ये बनी हुई है एक वार्डरोब. तो खोल के आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं. साथ में एक ब्लैंकेट मिली है और ये है टीवी एरिया. और सबसे इस रूम की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि यहाँ पर दो बेड है, दो डबल बेड है. और इसके अलावा यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड है, सेंटर टेबल है. और ये है, आपको एक पूरा व्यू बता देती हूँ रूम का. फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम के अंदर और बस अब थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे और उसके बाद में क्या करना है. उसके बाद में वैसे तो लेट हो गया लेकिन हाँ, बच्चों को घर से ही प्रॉमिस किया था, मतलब वही प्लानिंग थी इसी तरीके से, क्योंकि दो ही दिन का टाइम है और दो ही दिन में हमको सभी चीज़ें कवर करनी है. तो खाना वाना खाने के बाद में हम जाएंगे नीचे स्विमिंग पूल, बच्चे को जो स्विमिंग करनी एंजॉय करना है वो करेंगे. और उसके बाद में फिर और क्या है वो आगे मैं आपको जा रहे स्विमिंग पूल और मम्मी हो गई रेडी और इधर देखो पापा भी हो गया और विहान भी हो गया है रेडी. तैयार हो गए, पापा चिल्लाने के काम कर रहे हैं, कब से खुद चलो. तो ये है स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो गूगल में फ़ोटो से डाल रखे उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है. लेकिन ठीक है, बच्चों को एंजॉय करना है तो एक बार चलो कराई देते और साथ में हम भी एंजॉय करते हैं. एक बार फिर से रेडी सेडी गेट से गो. स्विमिंग पूल में हम बहुत ज़्यादा देर एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और इतने ठंडे पानी में फिर ऐसा था ना कि कहीं बच्चे बीमार नहीं हो जाए. तो लेकिन फिर भी हाँ, एक घंटा हमने कम से कम पानी में, मैं तो नहीं गई, मैं सिर्फ एक ही बार गई थी, लेकिन पानी इतना ज़्यादा मुझे ठंडा लग रहा था कि मेरे से मतलब सहन ही नहीं हो रहा था. और फिर बच्चे लोग तो एक बार जिद पड़ जाते हैं ना, तो उनको फिर खेलना ही था, तो एक ही घंटा उनको रखा क्योंकि उसके बाद ऐसा था ना कि बच्चे के बीमार नहीं हो जाए. इंजॉय के चक्कर में पता चला कि बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी और ये हो गई, तो फिर एक ही घंटा हमने उनको एंजॉय करने दिया. फिर हम आए हैं मार्केट में और मार्केट जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल पास में था, जिस होटल में हम लोग ठहरे थे तो बिल्कुल पास में ही था वॉकिंग डिस्टेंस पे. तो अभी हम आए हैं मार्केट. मार्केट का एक पूरा राउंड लगा के आ गए हैं, देख लिया है कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं. वैसे तो पहले भी हम एक बार महाबलेश्वर आ चुके हैं तो चीज़ें मुझे मतलब जो पहले चीज़ें थी वो की वही अभी भी दिखी है. फर्क इतना है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, मतलब जो चीज़ें 300 की थी वो 600 हो गई है, जो 600 की थी वो 1200 हो गई है. तो ये मुझे फ़र्क दिखा है. और इसको ब्रेसलेट चाहिए, टॉय चाहिए, वो चाहिए, मतलब ऐसा है कि मार्केट में जो जो शॉप दिखती जाए उसे एक एक शॉप में घुसो और वहाँ से एक एक चीज़ इनको दिला दो. पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. और ये जेंट्स सब अपने काम में बिजी और हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं. फटाफट से चाय आ जाए, चाय पी. तो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय. और चाय तो कैसी अभी तक पी नहीं, लेकिन जो कप है वो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. अरे अरे विहान थोड़ा तो चाय पीनी है तो पी लो.
तो कप है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगे। तो एक बार पीते हैं चाय गरम गरम। फाइनली अभी हम आ गए हैं रूम पर। बहुत कम से कम 4 से 5 घंटा, 1 मिनट पहले अंदर आ जाते हैं फिर बात करते हैं। तो फाइनली 5 से 6 घंटा, 1 सेकेंड पहले मेरे को सब काम जो बता। तो फाइनली 4 से 5 घंटा मार्केट में घूम के इनकी जेबें जो है वो पूरी तरह से खाली करके, और अब हम आ गए हैं फिर से रूम पर। और इतनी थकर बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी, क्योंकि हम खारगर में रहते हैं और वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी और गर्मी, और यहाँ आके इतनी ठंड। और ये मेरे को ना पूरे रास्ते, और इवन 2-3 दिन से कह रहे थे कि अभी जो जा रहे हैं वो क्लाइमेट सही नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ये वो एक दो बारिश आ जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो इन्होंने बात बोली वो सही हो गई। यहाँ आने के बाद में बारिश भी हो गई, हल्की फुल्की हुई बट हुई, और इतना ज़्यादा फॉग और इतनी ज़्यादा ठंडी ना, क्योंकि मैं तो जैकेट लाई नहीं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही होगी। बट हाँ कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी शॉपिंग करी है, और क्या क्या शॉपिंग करी है ये मैं आपको बताऊँगी खारगढ़ जाके, नहीं अगले ब्लॉग में नहीं, अगला ब्लॉग जो होगा वो फिर से ट्रैवल ब्लॉग ही रहेगा, और जो क्या क्या चीज़ें लेके आई वो मैं अपने घर जाके बताऊँगी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करना, और आगे का जो ब्लॉग है ना वो ज़रूर देखना, क्योंकि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सा ब्लॉग होने वाला है। पूरे महाबलेश्वर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी घूमने की जगह हैं, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाएगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।